जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली के पहले होली का उपहार लेकर के हम सब आपके पास आए हैं, क्योंकि होली के दौरान तो आचार संहिता होगी, इसलिए कार्य प्रारंभ हो जाए। कुशीनगर प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा का जनपद है। भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित कुसमावती कुशीनगर के रूप में हम सबके सामने है। भगवान बुद्ध को अपनी महापरिनिर्वाण स्थली के लिए किसी धरती को चुनना पड़ा था, कुशीनगर को चुनना पड़ा था। 23वें तीर्थंकर महावीर को किसी धरती को चुनना पड़ा था तो पावा नगरी कुशीनगर जनपद को चुनना पड़ा था। अपनी उर्वरता और पर्याप्त जल संसाधन के लिए विख्यात ये जनपद समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण, प्रौद्योगिकी न मिलने के कारण यहां पलायन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज आपकी समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने निकाला है, और आज कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसी भूमि पर यहां पर स्थापित होने के लिए आ गया है। यहां पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा तो तमकुही में गन्ना बीज संस्थान का एक आधुनिक कॉलेज का भी निर्माण होगा। भाइयों बहनों, तकनीक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है, और पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत देखा है, एक ऐसा भारत जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, जिसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज हमारा भारत किसी के सामने झुकता नहीं, आज हमारा भारत किसी के सामने किसी भी प्रकार से पीछे हटता नहीं, अपने मार्ग से टिकता नहीं। एक यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिन मार्गों पर चल रहा है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है, और ये पडरोना में भगवान बुद्ध के नाम पर महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उसी विकसित भारत के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमारा अन्नदाता किसान भी अपना योगदान दे सके, उसके लिए आज स्थापित करने के क्रम में यह अभियान चल रहा है। ये महात्मा बुद्ध के प्रति हमारा नमन भी है, हमारी श्रद्धा को भी व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। और इसीलिए कोई सोचता था कुशीनगर में एयरपोर्ट होगा, आज बधाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बन चुका है। मेडिकल कॉलेज बहुत शीघ्र यहां उद्घाटन करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज का भी कुशीनगर के अंदर। और अब यहां पर कृषि विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है, और कुशीनगर में पहले लोग आने के लिए तरसते थे, और अब कुशीनगर से प्रदेश के 20,000 किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल भी वितरित किए जा रहे हैं। इन सभी 20,000 किसानों को, 20,000 किसानों का मतलब जानते हैं ना, 1,00,000 लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इन सबको मैं बधाई देता हूं, पीएम कुसुम योजना का प्रमाण पत्र उनको प्राप्त हो रहा है, और हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग जनपदों में वितरित करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपके वोट की कीमत क्या होती है, एक अच्छी सरकार जब चुन करके आती है ऐसे ही समृद्धि भी लाती है और संस्कृति का संवर्धन भी करती है। समृद्धि, मैं जब सोच रहा था कुशीनगर में क्या क्या हुआ है, क्या यहां के लोगों को मिला है, कृषि विश्वविद्यालय मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया, इसके अलावा और क्या हुआ है, तो मैंने देखा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा। 750 करोड़
250 करोड़ 255 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कर रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है। और अब जब मैं यहां देख रहा था तो यहां पे आयुष्मान भारत के अंदर 9,23,000 लोगों के अब तक आयुष्मान कार्ड मिले हैं, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,29,000 किसानों को 6,000 रुपए सालाना यहां पर प्राप्त हो रही है। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 36,500 यानी 590 और शहरी क्षेत्र में 37,575 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और साथ साथ पडरौना जनपद में बहनों और भाइयों मुसहर जाति और बंटांगिया जैसी जातियों के लिए भी 7,070 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत करके उन्हें उपलब्ध करवाए गए हैं। 3,00,000 रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और यहां पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और अन्य योजनाओं में भी हम लोगों ने यहां पे लगभग 570 करोड़ रुपए यहां पर वितरित किए हैं। दिव्यांग जनों को भी यह सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 33,700 बेटियों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो साथ ही साथ